नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.2 का चौथा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है कि निम्न में से सत्य और असत्य की पहचान करिए और उसका कारण भी बताइए। हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में प्रश्न लिखा है, तो बच्चों इसमें आपने थोड़ा सा सचेत रहना है। काफी सारी गाइड्स में और ऑनलाइन भी कई सारी वेबसाइट्स पर इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं या उनके जो औचित्य हैं या कारण है वो गलत दिए होते हैं, और हम प्रयास करेंगे आपको बिल्कुल सही पढ़ाने का। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि CBSE भी अब ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस देती है। 1 मार्क्स क्वेश्चंस में वो आपकी नॉलेज को देखते हैं कि आप कितना उसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, प्रथम भाग है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के। तो मान लो ए बराबर है 30 डिग्री और बी बराबर है 60 डिग्री के, तो प्रश्न के हिसाब से तो होना चाहिए साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60 90 डिग्री बराबर साइन ए, साइन ए यानी साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री। आइए हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। देखिए साइन 90, यदि आप टेबल अच्छे से देखें, साइन ऑफ 90, साइन 90 होता है 1, तो साइन 90 तो आ गया है 1 बराबर साइन 30। देखिए साइन 30 ये है 1/2 प्लस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो देखिए लेफ्ट साइड तो 1 ही रही, राइट साइड को यदि हम सॉल्व करेंगे तो वह आ जाएगी 2, लघुत्तम आ गया 2 और 2 का लघुत्तम 2 और 2 को 2 से भाग करके 1 गुना 1 1 प्लस 2 को 2 से भाग करके 1 1 गुना √3। तो देखिए लेफ्ट साइड पर है 1, राइट साइड पर है 1 प्लस √3/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, 1 जो है वह इस के मान के बराबर नहीं है। यह है बराबर नहीं का निशान, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आई। इसका अर्थ है कि जो हमें प्रश्न में दिया गया था साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी, यह असत्य है, यह असत्य है। तो इस प्रकार से हमने इसका प्रथम भाग किया है। आइए अब हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग है थीटा में वृद्धि होने पर यानी कोण में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास बच्चों टेबल है, इसमें आप ध्यान से देखें साइन 0 है 0 के बराबर और साइन 90 है 1 के बराबर, यानी जैसे जैसे कोण बढ़े 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री, 45 डिग्री से 60 डिग्री, 60 डिग्री से 90 डिग्री, कोण बढ़े तो साइन का मान भी 0 से 1/2 हुआ, 1/2 से 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर 1 हुआ, ये साइन का मान भी बढ़ रहा है। तो यही उन्होंने पूछा, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होते, तो हम लिखेंगे देखिए साइन 0 है 0 के बराबर और साइन 90 डिग्री है 1 के बराबर, तो यह सत्य है कि कोण में वृद्धि होने से, थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये हमने टेबल से सत्यापित भी करके देखा है। इसी प्रकार तीसरा भाग है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आइए देखते हैं। देखिए यह हमारे पास फिर से टेबल है, कॉस 0 डिग्री है 1 के बराबर और कॉस 90 डिग्री है 0 के बराबर। 1 बड़ी संख्या है, उससे छोटी है √3/2, उससे छोटी है 1/√2 और उससे छोटी है 1/2 और सबसे छोटी है 0, यानी थीटा बढ़ रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल तो बढ़ रहा है, कोण तो बढ़ रहा है, परंतु कॉस की वैल्यू 1 से घटकर 0 तक पहुंची है। इसका मतलब हम यहां लिखेंगे कॉस 0 डिग्री होता है 1 और कॉस 90 डिग्री होता है 0 के बराबर। इसका मतलब थीटा बढ़ा तो कॉस की वैल्यू घटी है, लेकिन ये तो कह रहे हैं
कि कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, इसका मतलब इनका कथन असत्य है। आशा करता हूं कि आपको ये साथ साथ बच्चों समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं इसका चौथा भाग, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। आइए देखते हैं बच्चों, देखिए थीटा का 0 डिग्री, साइन 0 है 0 परंतु कॉस 0 है 1। इसी प्रकार साइन 30 है 1/2, कॉस 30 है √3/2, परंतु ये कह रहे हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू के बराबर होगी। तो हम यहां लिख देते हैं साइन 0 डिग्री होता है 1 के बराबर, जबकि कॉस 0 के बराबर, और कॉस 0 डिग्री होता है 1 के बराबर। तो जो ये कह रहे हैं कि सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं है, इसका मतलब इनका कथन असत्य है, इनका यह कथन असत्य है। इसी प्रकार हम इसका अगला भाग देखते हैं। आइए, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर कॉट a, यदि a 0 है तो कॉट a हो जाएगा कॉट 0 डिग्री के बराबर। और देखिए हम टेबल में देखते हैं कॉट 0 किसके बराबर है, नॉट डिफाइंड, यानी यह परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसका मतलब इनका जो कथन है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, इनका यह कथन सत्य है। तो देखा बच्चों, हमारा पहला जो भाग था वह आया था असत्य, दूसरा भाग आया था सत्य, तीसरा भाग आया था असत्य, चौथा भाग भी आया था असत्य, और पांचवा भाग आया है सत्य, और हमने सभी का उत्तर भी साथ साथ दिया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।